नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आडवाणी के आपातकाल संबंधी बयान की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, आडवाणी के इस बयान के क्या मायने हैं और कहीं ये उपेक्षा से उपजा बयान तो नहीं है? देखिए, जब लालकृष्ण आडवाणी जी जैसा धीर गंभीर और वरिष्ठ नेता कोई भी बात कहता है तो निश्चित तौर पर उनके बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया में और बाकी सब जगह राजनीतिक अलग अलग गुटों में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल आपातकाल एक ऐसा विषय है जो वैसे भी आडवाणी जी के बयानों का प्रमुख हिस्सा रहा है। आडवाणी जी जैसे प्रथम पंक्ति के चंद ही ऐसे नेता बचे हैं जिन्होंने आपातकाल को उतने करीब से देखा है। आपकी और हमारी पीढ़ी ने आपातकाल को पढ़ा है, आपातकाल के बारे में सुना है, आपातकाल के बारे में टिप्पणियां पढ़ी हैं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा और उस वक्त जेल भी गए। खासतौर पर आडवाणी जी आपातकाल को लेकर पहले भी काफी मुखर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई भी देश अपने विकास की राह में आगे बढ़ता है तब वो बेंचमार्क बनाता चलता है, ऐसे पड़ाव, ऐसे मील के पत्थर लगाता चलता है कि जो उसको आगे जाकर पता लगाने में आसानी होगी कि वो कहां तक पहुंच पाए। हमारी इस स्वतंत्र भारत की राजनीतिक यात्रा में 25 जून 1975 का दिन हमेशा एक काले अध्याय के रूप में, स्याह धब्बे के रूप में देखा जाता रहेगा, क्योंकि उस दिन हिंदुस्तान की राजनीति ने जिस तरह की करवट ली थी वो इतिहास है और सब जानते हैं कि किस तरह का इतिहास है। जब लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश की गई, आडवाणी जी, अटल जी वगैरह तो एक संसदीय समिति की बैठक में जा रहे थे बेंगलोर में, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसी गिरफ्तारी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर हुई। अब उन परिस्थितियों को जब आज वापस हम 25 जून की दहलीज पे खड़े हैं तब आडवाणी जी ने याद किया है, तो वो क्या उसी आपातकाल के संदर्भ में याद किया है कांग्रेस के, या फिर वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, क्योंकि वर्तमान में तो सत्ताधारी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्होंने बाद में सफाई भी दी है कि उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज की तरफ नहीं था, वो तो बल्कि कांग्रेसियों से ये कहना चाह रहे थे। पर मुझे लगता है कि इसको भुनाकर, इस मौके को भुनाकर ऐसे बहुत सारे लोग जो वर्तमान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के कामकाज को लेकर टिप्पणियां करना चाहते थे उन्होंने भुनाया, क्योंकि वैसे भी ये माना जा रहा है कि जो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया उसकी कोई भी बैठक पिछले एक साल में अभी तक नहीं हुई है, तो मूक दर्शक बन के रह गए हैं। तो ऐसे में अगर आडवाणी जी जैसे व्यक्ति के मुंह से ये आवाज निकलती है कि आपातकाल जैसे हालात फिर बन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण गंभीर बयान है और इस पर इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है। इसे परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया है, और हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की कार्यप्रणाली को उसी तरीके से देखते हैं। उनकी शायद तकलीफ ये है, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप कठोर निर्णय लेते हैं, कठिन निर्णय लेते हैं, दूरगामी निर्णय लेते हैं और आप चाहते हैं कि इन निर्णयों को तुरंत अमल में लाया जाए और इसके बीच में कोई और ना आए, तब आप कब एक कठोर प्रशासक होते हैं और कब एक कठोर प्रशासक से तानाशाह बन जाते हैं ये आपको खुद पता नहीं चलता। एक बहुत पतली रेखा, एक बहुत लिजलीची सी बाउंड्री होती है एक कठोर प्रशासक और एक तानाशाह के बीच में। एक कठोर प्रशासक कठिन निर्णय भले ही लेगा, लेकिन वो सबको साथ में लेकर, सबको सबके साथ मिलकर उन निर्णयों को लेने की और उनको अमल में लाने की तैयारी करेगा। लेकिन धीरे धीरे कब उसे ये लगने लगता है कि जो कुछ निर्णय वो ले रहा है वो ही सही है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए जब हमको ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि किसी एक व्यक्ति या कुछ चंद व्यक्तियों की बात ज्यादा अहमियत रखती है बजाय कि सभी के, तो लोग इस तरह के अंदेशे उसमें तलाशने लगते हैं। अब आप देखिए कि जब इसको आपातकाल से जोड़ा ही गया तो आपातकाल में क्या हुआ था, वो इंदिरा गांधी, वो प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, वो एक लौह महिला के रूप में देखी जाने वाली इंदिरा गांधी, वो एक मजबूत और ताकतवर स्वभाव की महिला इंदिरा गांधी, जिनको खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा स्वरूपिणी माना था, जिन्होंने 1971 के इतने बड़े युद्ध को अंजाम देने का इतना कठोर फैसला लेकर बांग्लादेश के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उन इंदिरा गांधी जिनको 71 में साहसिक महिला के रूप में देखा जा रहा था, उनको अचानक 1975 में तानाशाह क्यों बन जाना पड़ा ये शायद उनको खुद को भी नहीं पता चला होगा। आप पुपुल जयकर की या इनकी जो किताबें पढ़ें और उस तरह के हालात देखें तो आपको ये पता लगता है कि वो एक कठोर प्रशासन की तरफ जाने वाली, कठोर निर्णय लेने वाली और कड़वे निर्णय लेने से भी न हिचकिचाने वाली महिला थी। लेकिन जब उनकी पार्टी के भीतर और बाहर चलने वाले षड्यंत्र इतने बड़े हो गए कि उनको अपनी कुर्सी डोलती हुई दिखाई दी,
तो अचानक उस क्षण उन्होंने आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया। अब इसीलिए जब एक कठोर प्रशासक अचानक तानाशाह बन गया तो लोगों को यह कभी भी लग सकता है कि इसी तरह किसी और व्यक्ति, किसी और राजनेता, किसी और नेता के साथ हो सकता है। अडवाणी जी के बयान का भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर होने वाला है? मुझे ये लगता है कि इसका निश्चित तौर पर एक गहरा असर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी निश्चित तौर पर दो बड़े धड़े हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक वो धड़ा जो पहले भारतीय जनता पार्टी को इस स्वरूप तक लाने में बहुत सक्रिय रहा, बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अडवाणी जी, उनका खेमा और अटल जी के साथ के बहुत सारे लोग जो इस वक्त हाशिए पर हैं। लेकिन गोवा की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक जो मई 2014 के चुनावों से लगभग एक साल पहले हुई थी, उसमें जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को उनका प्रचार का प्रमुख बनाने का निर्णय लिया गया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वो अहम बदलाव बिंदु है। उसके पहले भीतर एक रस्साकशी, एक संघर्ष कि किस तरह के नेतृत्व के साथ हमें इन चुनावों में जाना चाहिए, वो चलता रहा। लेकिन जिस दिन उस बैठक में ये निर्णय होना तय हुआ कि नरेंद्र मोदी के हाथ में प्रचार की कमान होगी, उस दिन अडवाणी जी ने उस बैठक में नहीं जाने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य को कारण बताया, हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी भेजी जो बाद में सार्वजनिक भी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन से वो अडवाणी जिनके साथ नरेंद्र मोदी पहले साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जिनकी रथ यात्राओं और दूसरी अन्य बड़ी राजनीतिक रैलियों का आयोजन उसकी कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में होती थी, उन दोनों के बीच में कब इस तरह के गहरे राजनीतिक मतभेद उभर आए ये शायद उनको भी नहीं पता चला होगा। लेकिन भारतीय राजनीति और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए वो एक बड़ा बदलाव का बिंदु था, और उसके बाद से भी बीच बीच में अपने ब्लॉग के जरिए या अन्य तमाम बयानों के जरिए अडवाणी जी अपनी बात कहने से संकोच नहीं करते रहे, वो कहते रहे हैं। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक साल के कामकाज का आकलन हो रहा है, अभी अभी एक साल उन्होंने पूरा किया है, तब आपातकाल का बयान अगर आडवाणी जी की तरफ से आता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठे वो लोग जो कहीं ना कहीं खुद को हाशिए पर अपमानित और असहज महसूस कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी राजनीति को और धार दें। ऐसा नहीं लगता कि अब आडवाणी और मोदी के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी? संभव है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मोदी जी इस बयान को किस तरीके से लेंगे। हालांकि उन दोनों के बीच में जो दरार थी उसमें एक बड़ा बिंदु वो भी आया था जब नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता संसद के केंद्रीय कक्ष में चुना जा रहा था, और उस वक्त आडवाणी जी ने जो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपने भारतीय जनता पार्टी पर और हम सब पर उपकार किया है, तब बहुत भावुक होकर नरेंद्र मोदी जी ने जवाब देते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके मां समान है और वो अपनी मां पर कोई बेटा कैसे उपकार कर सकता है। वो एक भावुक बिंदु था जहां पर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कड़वाहट की तमाम खबरों और कयासों के बावजूद अपने वरिष्ठ के प्रति उनके मन में जो भावना है वो अभी भी अच्छी है। लेकिन शायद उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि जब तक वो अलग रास्ता नहीं अपनाएंगे, जब तक कठोर निर्णय नहीं लेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर नए नेतृत्व को मौका देने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये देखिए साबित भी हुआ, जब ये निर्णय लिया गया था कि आडवाणी जी हाशिए पर होंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान होंगी, तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एक तरह का जुआ था, लेकिन जो दांव था वो सोच समझ के लगाया गया था, वो दांव सफल हुआ। कब उनका मिशन 272 मिशन 282 में तब्दील होकर इतना जबरदस्त तरीके से सफल हुआ और सरकार का एक साल भी पूरा हो गया, उसके बाद इस एक साल के भीतर कई राज्यों में सफलता भी मिली है, तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में सरकार बनाने में, झारखंड में वो लोग कामयाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया गया था उसके फल मिले हैं, लेकिन उस निर्णय की वजह से जो दूसरे परिणाम आए हैं जिसके फलस्वरूप पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, उसका भी कुछ ना कुछ हल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को और आरएसएस को निकालना होगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे आडवाणी के आपातकाल संबंधी बयान की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।